मैं ये किसका पूछ के किया है? सबको सांप सूंघा क्या? मैं पूछता ये सब क्या है? मैं तो मर चुका हूं ना, जिंदा में मेरी गिनती कहां है? मुझसे पूछे बिना मेरी विधवा बहन की शादी तय कर दी कि वो चली जाएगी तो किसी को खिलाना नहीं पड़ेगा, और उसके भाई का इस कार्ड बना क्यों बात का बतंगड़ बना रहे हो? संगीता ने तो सारा इंतजाम किया है। अभी जमान चला दिए, मैं कुछ करूं या ना करूं लेकिन इस कार्ड पर मेरा नाम होना चाहिए था। अरे संगीता श्रीवास्तव कौन होती है अपने नाम से निमंत्रण पत्र भेजने वाली? भाभी को क्यों डांट रहे? मुझसे कहिए, मुझे डांटिए। हाँ हाँ, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। मेरी बेरोजगारी का मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी नहीं। मैं पूछा इस कार्ड पर मेरा नाम क्यों नहीं है? क्योंकि ये गीता की शादी का कार्ड है। किसी शराब खाने के उद्घाटन का कार्ड होता तो उसपे आप ही का नाम छपा होता, समझे? मुझे आप सबको खिलाने का शौक नहीं है। अगर आप दो पैसे कमा रहे होते तो मैं भी घर में बैठती, लेकिन मैं अपने भाई के निकम्मेपन पर अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी भाभी और आपकी तीनों बच्चों की बलि नहीं चढ़ा सकती। कार्ड पर नाम छुपाने का इतना ही शौक है तो बड़े भाई बनना सीखिए पहले। अरे आग लगा दूंगा। आओ बेटी, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी, चल। नमस्ते सर। नमस्ते। माय नेम इज अशोक सर, मैं संगीता श्रीवास्तव का बड़ा भाई हूँ। ओ सिराम। थैंक यू सर। हाँ कहिए, कैसा ना हुआ? समझ में नहीं आता कैसे कहूं, हम शरीफ लोग हैं सर, अपने आंसू बेचते नहीं जीते हैं। अरे कहो ना, हम कोई गैर थोड़ी है। यही सोचकर तो आया हूं सर, मैं तो आना भी नहीं चाहता था लेकिन संगीता ने कहा कि उससे ये नहीं हो सकता। बात यह है सर, मेरी मां को ब्लड कैंसर है। ब्लड कैंसर? लेकिन संगीता ने कोई बताया नहीं मुझे। वो अपना दुख किसी को नहीं बताती, यही तो बड़प्पन है उसका सर। मां का ऑपरेशन करवाना है, बहने बेचकर कुछ पैसे इकट्ठे किए थे, फिर भी 1000 रुपए की कमी रह गई। 500 रुपए मैंने अपनी सैलरी के अगेंस्ट एडवांस लिए। 500 रुपए अगर संगीता की सैलरी से एडवांस। मिस्टर अशोक, हमारे ऑफिस में एडवांस देने का चलन है नहीं, लेकिन मैं मिस्टर वासी की बड़ी इज्जत करता हूं। एक काम करो, तुम 1000 रुपया रख लो। 1000? और सुनो, उसे बताना नहीं, वो खाम का एम्बेरस हो जाएगी। जी नहीं, मैं कभी नहीं बताऊंगा सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। मैं थोड़े थोड़े करके लौटा दूंगा सर। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं जी। सर मैं अब तक कहा करता था, दुनिया देवताओं से खाली हो चुकी है, लेकिन आप तो साक्षात देवता है। दया अरे, सागर। ये क्या कर रहे हो? अच्छा मैं चलता हूँ सर, थैंक यू। प्रकाश जी, आप महान, आप जो मेरे बाप से भी बढ़कर हैं। मेरे बाप ने प्रकाश जी मुझे कुछ नहीं दिया, आपने कम से कम सहारा तो दिया। प्रकाश जी मुझे बचपन में सिर्फ डांट ही पड़ी है, तुम बहुत मजे में हो, न किसी के बाप हो और न ही किसी के बेटे। अरे ऐसे ही डटे रहो प्रभु। प्रभु? अरे भगवान, अरे मेरे बाके बिहारी, अरे मैं तेरे को दंडवत करता हूँ मेरे बाके। प्रकाश जी, 5 रुपए मिलेंगे? हाँ हाँ, 2 जूते भी मिलेंगे। बोले? अरे प्रभु बोले, दोबारा नहीं बोलना। मैं टिकट लगाऊंगा, अनाउंसमेंट करूंगा,
महाभारत का बोलता खंबा और बागे बिहारी की लीला कमाई फिफ्टी फिफ्टी। ओके तुम यही जटे रहो, मैं टिकट छपवा कर लाता हूँ, समझे? डोंट आपकी तारीफ तारीफ तो पीछे बताऊंगा, पहले मेरे 2288 रुपए दारू का और उस तरकीब का हर दे यही, नहीं तो खाल खींचकर मशक बना दूंगा। अरे मेरी कमीज तो चुप चला रहे करता है, निकाल मेरे 2288 रुपए निकाल। बेच देता हूँ, देता हूँ, बेच मेरी कमीज छोड़, मेरी कमीज की जेब में। आई रिस्पेक्ट यू, रिस्पेक्ट आई पे यू स्टे देन आई रन नाउ सी। ए ए रुक जा, जाओ किधर है? साला भाग गया, कब तक भागेगा? मेरी लाल के हाथ से जिंदा नहीं बचने वाला। नजर आने की देर है, चक्कू ना उतार दिया पेट में तो मूछ मुंडवा देना। साले को ढूंढू कहाँ, पता ठिकाना भी तो नहीं मालूम। यस कम इन। आज बहुत सीरियस नजर आ रही है। फॉर अ चेंज। बात क्या है? बात यह है कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। ओ हेलो, रूप कुमार है? कहो, कब तक इंतजार करूं? यस हाँ हाँ। नहीं, वो बात क्या है कि बिल्टी अभी तक तैयार नहीं हो सकी, वरना माल तो आपको कब का पहुंच गया होता। कोई है क्या? लेडी क्लाइंट से तो भगवान बचाए, एक घंटा बात करेंगे, अगले दुकान से लेके नेशनल पॉलिटिक्स तक। आई एम सॉरी, वो कुछ जरूरी पेपर आ गए थे सिग्नेचर के लिए। अरे नहीं, कल तक कृष्णचंद्र का पूरा सेट पहुंच जाएगा, और वो बर्फ का फूल तो पड़ लिया होगा। कैसा लगा? ओके डार्लिंग। थैंक यू सर। कैंसर का पता कब चला? जी नहीं, कोई कह रहा था कि तुम्हारे माताजी को ब्लड कैंसर है, ऑपरेशन करवाना है। भैया कितने पैसे ले गए सर? बेशर्मी की हद हो गई, ऐसे जलील इंसान के साथ मैं हरगिज नहीं रह सकती। ये भाई नहीं, कसाई है, कसाई। ये क्या कर रही हो बेटी, घर छोड़कर क्यों जा रही हो? तो और क्या करूं, आपका सपूत मुझे चैन से जीने नहीं देगा। ऑफिस से तनख्वाह मिलती है वो तो घर चलाने में लग जाती है, थोड़ी बहुत इज्जत मिलती थी वही मेरे काम आती थी, लेकिन श्रीमान अशोक कुमार श्रीवास्तव वहां भी पहुंच गए और आपके बारे में झूठ बोलकर मेरे बॉस से पैसे निकलाए। मेरे बारे में झूठ बोलकर? जी हाँ, आपको तो ये पता भी नहीं होगा कि आपको कैंसर हो गया। मेरा कैंसर तो यही है, अच्छा होता इसे जन्म देती ही मैं ही मर जाती। माँ का जीवन बेच के पैसे लेते हुए शर्म नहीं आई आपको? आप तो आदमी बन जाइए, मेहनत के दो पैसे कमा के घर में लाइए, नौकरी नहीं मिलती तो कोई व्यापार कर लीजिए। व्यापार? व्यापार के लिए मेरा बाप कोई पूंजी नहीं छोड़ गया। लेकिन इस बेटी को तो जन्म दे गए हैं, मैं जवान बहन जो खड़ी हूँ आपकी पूंजी, मुझे चलाइए बाजार में, मुझसे कमाई कीजिए, बिछा दीजिए ना मुझे किसी कोठी पर। माँ ये इस जन्म में नहीं सुधरेंगे, अब मैं इस घर में एक पल के लिए भी नहीं रह सकती, मेरा दम घुटता है, मैं नौकरी करते करते थक गई, घिस गई, मैं भी आराम करना चाहती हूँ, मैं भी चाहती हूँ मेरा अपने कोई घर हो, मेरी अपनी कोई जिंदगी हो। तो नहीं मैम साहब? नहीं है।
कहाँ गए हैं? ये तो पता नहीं। तू ये कैसे? क्यों मेरा पीछा कर रही है? Get out from here! Shut up! पागल कुत्ते, कमीने, काउंटर! वो इतना नीच निकला कि माँ और बेटी दोनों के साथ रिश्ता जोड़ा, दोनों को धोखा दिया। मम्मी, माँ और बेटी कभी साथ नहीं बन सकती। मुझसे बड़ी गलती हो गई। कूदने से पहले मेरी एक बात सुनेंगे? जिंदगी फेंकने की चीज नहीं है। अरे गेटलॉस यार, तुम बस नकल वकल किया करो, जिंदगी तुम्हारे बस का रोग नहीं। जिंदगी मेरे बस का रोग न रही होती तो जी कैसे लेता? जिंदगी तो जीने की चीज होती। चलो। नहीं चलूंगी, तुम कौन होते मुझे कहीं ले जाने वाले? अच्छा देखो, अब ज्यादा बकवास की ना, एक ऐसा झपड़ और मारूंगा कि पूरी बत्तीसी पेट में उतर जाएगी, समझे? चलो। नहीं चलूंगी, नहीं चलूंगी, नहीं। Come on now. मुझे मार दे। Keep quiet. चलो। खुदकुशी करने जा रहे थे, उस दिन कहेंगे। चल। चल तो सही। अंदर आइए इंस्पेक्टर साहब। यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? आंटी ने रूप कुमार का कत्ल करके आत्महत्या कर ली। मुझे भी मर जाना चाहिए, अब मेरी जिंदगी का क्या मतलब है? कल्पना, जिंदगी जब बेमतलब होने लगती है तो वो अपने लिए कोई नया मतलब निकाल लेती है। चुप हो जाओ। वो तो आप ठीक कह रही हैं, मगर मेरे और तुम्हारे बीच ये मगर कैसे आ गया? बैठो। कोई अधूरा काम करने से क्या फायदा? कल्पना की जान बचानी ही नहीं थी तो उसे मर जाने दिया होता। वो कोई सती सावित्री होती तो ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाते उसे बचाने के लिए, लेकिन वो दो गलतियां करके उन पर पछताने वाली एक मामूली सी लड़की है। उसे डूबने से बचाने के लिए किसी आदमी ही को हाथ बढ़ाना पड़ेगा। इस दुनिया में आधे अधूरे आदमी तो बहुत है। मैं सिर्फ दो पूरे आदमियों को जानती हूँ, प्रेम और तुम। अगर तुम कल्पना से शादी कर लोगे तो मैं समझूंगी कि मेरे और तुम्हारे दोनों के जीने का कोई मतलब है। दीदी, जीवनधारा के साथ यूं ही बिना किसी मतलब, बिना किसी वजह के बहते ही चले जाना तो जीवन नहीं है आनंद। मुझे थोड़ा
सोचने का वक्त देंगे? क्यों नहीं, आए हैं तो चाय पीकर जाएंगे, जब तक तुम सोच भी लो। वेटर, क्या लेंगे? बड़े भैया आप? क्यों, वेटरी करने से क्या शान घटती है? काम करने से शान कभी नहीं घटती बड़े भैया, पर आपने बताया तो होता कि आप काम करने लगे हैं। मैं तुम लोगों से इतने झूठ बोल चुका हूं, शायद इस सच को भी तुम झूठ समझते। मैंने सोचा पहली तनख्वाह लेके घर आऊंगा, मां के चरणों में रखूंगा, फिर सबको बता दूंगा कि मैं काम करने लगा हूं। क्या कर रही हो? माँ, मैंने अपनी तस्वीर उतार दी है, अब यहाँ बड़े भैया की तस्वीर रहेगी, ये जगह बड़े भैया की तस्वीर की है। भाभी, भाभी, मुबारक हो भाभी, बड़े भैया काम करने लगे हैं। सच? अब आपको इस घर में अपनी जगह मिलेगी। यस प्लीज ट्रांसफर 10 लाख, ओके, बाय बाय। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, तुम्हारी ऐसी से लग रहा है कि तुम आज रिजाइन करने आई हो। यस सर, बरसों से बेटी और बहन बनकर जीना भूली हुई थी, आज मेरे भैया ने घर की जिम्मेदारी संभाल ली है। यहां से भी बड़े अंधे होते हैं सर, गम और खुशी में फर्क नहीं करते कमबख्त। मैं समझता हूँ, लेकिन रिजाइन क्यों कर रही हो? नहीं सर, बहुत कर चुकी काम, अब घर में बैठकर मजे से दिन काटूंगी मैं। थैंक यू वेरी मच सर, गुड बाय। जस्ट अ मिनट संगीता। सर, कल अपने भाई को मेरे पास भेज देना, तुम्हारी जगह मैं उसे रख लूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सुबह से थका मंदा आया है बेचारा, जरा इसे आराम तो करने दो। नमस्ते सर, सर आप क्या? आई 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 सर, प्लीज सर, एक मिनट सर, हट बेटे। बैठिए सर, सब क्या लेंगे सर? एक मिनट सर, संगीता देखो तो कौन आया है, एक कप चाय लाओ अच्छी सी। माँ, मेरी माँ। नमस्ते जी। सिंह साहब। बेटी। माँ, ये वही सिंह साहब हैं जिनको मैंने तुम्हारी कैंसर की बीमारी बताकर 1000 रुपए की चोट पहुंचाई थी। घबराओ नहीं, पैसे मांगने नहीं आया हूँ। मुझे मालूम है सर, देवता कभी तकाजा नहीं करते। सर, जब मैंने आपसे पैसे लिए थे ना, उस वक्त मेरा इरादा नहीं था कि मैं आपके पैसे लौटाऊंगा, लेकिन अब मैं आपके पैसे जरूर लौटाऊंगा सर, चाहे थोड़े थोड़े करके लौटाऊं। सर, सर आप यहाँ कैसे आ गए? मैं तुम्हारे माताजी और भाई साहब के सामने तुमसे एक बात करने आया हूँ। अब तुम मेरी ऑफिस में तो काम कर नहीं रही हो, क्या हुक्म दे सकूं? बस दरख्वास्त करने आया हूँ। दरख्वास्त कैसी सर, आप हुक्म दीजिए। पहले मैं तुम्हारी माताजी से दो एक बातें कर लूँ। हाँ माताजी, मेरा नाम कंवरपाल सिंह है, मैं अलीगढ़ का ठाकुर हूँ, इकलौता बेटा हूँ, 4 बहनें हैं जिनकी शादी हो चुकी है। अगर आपको कोई इतराज ना हो तो मैं आपकी बेटी संगीता से शादी करना चाहता हूँ। ये तुम्हारी खुशकिस्मती है बेटे। आप सच मुझे देवता हैं सर, मेरी बहन को उसकी तपस्या का फल मिल गया। संगीता की राय भी तो ले लीजिए। आनंद, क्या तय किया तुमने? दीदी वो, अरे भाई तुम्हारा नाम आनंद है, मुझे भी थोड़ी सी खुशी दे दो।
जैसी आपकी मर्जी। तो ठीक है, एक ही मंडप में दोनों शादियां हो जाएंगी, तुम्हारी भी मेरी भी। हाँ। लाओ भैया, आज आखिरी बार टिकट ले रही हूँ। आखिरी बार क्यों? परसों मेरी शादी है, जरूर आना और अपनी घरवाली को भी लाना। हाँ? जरूर आऊंगा दीदी, जरूर आऊंगा। आज अपने दिल की एक बात कहूं दीदी? हाँ? सब मुझे कंडक्टर समझते हैं, बस आप ही ने मुझे आदमी जाना, इसलिए लग रहा है ये निमंत्रण नहीं, मेरी अपनी बहन की शादी का कार्ड है। टिकट टिकट हाथ अंदर जाकर रिश्तेदारों को दे, देखो कि नाक मोड़ना चल रहा है। अरे तू क्या कर रहा है? जाकर अंदर ले, खाली बोल दे, करो सर्जर। नमस्कार बने जी, आप इधर आइए। नमस्ते, बैठिए, तू जाके बुआ के पास बैठ। सुनिए, अरे एक मिनट इधर आइए। अरे बाबू एक मिनट क्या, मेरी बात तो सुनिए। काम करना दोगे नहीं? हाँ, पैसों का इंतजाम हो गया? हो गया, अब तुम्हें और पैसे चाहिए क्या? मुझे नहीं चाहिए। तो संगीता चंदन आप गिरवी रखाए थे, अब कन्यादान से पहले उन्हें छुड़ा तो लाइए। अरे भगवान, मैं काम में सेकंड भूल गया था, मैं 10 मिनट में वापस आता हूँ, तुम जल्दी संभाल लेना। हेलो भाई, तुम्हें तुम्हारा कंगन लो, पति की जरूरत पड़े तो आओ जो। अरे सेठ भगवान ना करे किसी को तुम्हारी जरूरत पड़े। तू बात करो चो, तू बात करो चो। अच्छा आओ जो, आओ जो, जय राम। कल मेरे 2288 रुपए। केदियाल, मैं तेरे पैसे चुका दूंगा, आज मुझे जाने थे, मेरी बहन की शादी है। मुझे उल्लू बनाता है, कब लगेगा मेरे हाथ? सीधी तरह निकाल वो कंगन। नहीं केदियाल, ये कंगन मैं तुझे किसी कीमत पर नहीं दूंगा। देख, ये कंगन मुझे अपनी बहन की शादी में देने हैं, जिंदगी भर का पाप है, धो लेने दे। तेरा कर्जा मैं चुका दूंगा, एक एक पाई चुका दूंगा, 10-15 दिन की मोहलत दे दे, मुझ पर रहे। तेरे पे? ओके बास, निकाल कंगन, निकाल। बड़े भैया कहाँ हैं? आती ही होंगे, लेकिन गए कहाँ? तुम्हारे कंगन लेने गए हैं। ओफो भाभी, शायद ना काम पड़ा हुआ है, अभी जाना था उनको। पहला मुहूर्त कल्पना के पैरों का है ना, तुम्हारे कन्यादान तक जरूर लौट आएंगे। प्रेम सुनो, भैया जरा बाहर गए हैं, तुम मेहमानों का ख्याल रखना। अरे तुम लोग अभी तक हंस रहे हो, वहाँ फिरों का वक्त हो रहा है। ये कल्पू, चल मंडप में फटाफट।
दीदी संगीता मम्मी क्या हुआ क्या बात है अरे नमस्ते दीदी शादी बहुत बहुत मुबारक हो मैं तो खैर आ नहीं पाया ठीक उसी वक्त मैटरनिटी होम जाने के लिए तैयार हो गई वो मेरा स्टार तो मिल गया होगा ना जीजा जी भी इसी रूट पर रहते हैं क्या जिन लड़कियों के घर में विधवा माँ हो एक विधवा भाभी हो एक अनाथ छोटा भाई हो अनाथ भतीजी हो भतीजा हो वो शादी नहीं करती भैया घर चलाने के लिए काम करती है